धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय, आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का अवसर दिया। श्रीमान, आज का दिन हमारे देश की 70% आबादी जो गांवों में रहती है उनके लिए बहुत ही सुखद व लाभकारी है। सर, नवाब देश की एक शीर्ष वित्तीय संस्था है। हम सभी जानते हैं कि इसकी स्थापना आज से 35 वर्ष पूर्व यानी कि 1982 में हुई थी। नवाब देश में कृषि, कुटीर उद्योग, ग्रामीण उद्योग, हस्तशिल्प व लघु उद्योग के क्षेत्र में ऋण व पुनर्वित्त प्रदान करती है। हम यह भी जानते हैं कि नेवार ने भारत के करोड़ों ग्रामवासियों के जीवन को प्रभावित किया है। देश का प्रत्येक ग्रामवासी नेवार से भली भांति परिचित भी है। श्रीमान, पिछले कुछ वर्षों से हमारी सरकार आने के पश्चात नीति तथा प्राथमिकताओं के अनुरूप कृषि व ग्रामीण विकास के क्षेत्रों को रीफाइनेंस तथा डायरेक्ट लोन के माध्यम से नाबार्ड ने अपने कार्यों में बहुत ही व्यापक विस्तार किया है। उदाहरण स्वरूप, नाबार्ड की बैलेंस शीट 31 मार्च 2012 को 1,82,000 करोड़ रुपये थी। उसमें 31 मार्च 2016 को लगभग 3,10,000 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। अर्थात इतने कम समय में नेवार्ड की गतिविधियों में लगभग 70% की वृद्धि हुई है। श्रीमान उपसभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि नेवार्ड पूर्णतया फाइनेंस ही नहीं करता, बल्कि पहली बार नेवार्ड के माध्यम से सिंचाई सेक्टर के रकबे को बढ़ाने का काम भी किया गया है। साथ ही 4 लाख किलोमीटर सड़कें बनाने का कार्य किया है। ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में 10,37,000 ग्रामीण पुलों का निर्माण का कार्य हुआ है, जो ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें वर्षों से जिन हालत में पड़ी थी उसे भी नेवार्ड के माध्यम से बनाकर तैयार किया गया है। राज्यों को नेवार्ड के माध्यम से सस्ती दर पर फाइनेंस भी किया गया है, जो अभी बिल के माप पारित हो जाने के पश्चात और अधिक बढ़ेगा। माननीय उपसभापति महोदय, देश में ग्राम सेवा सहकारी समितियों की महती भूमिका है। एक समय था जब देश की ग्राम सेवा सहकारी समितियां किसानों को 12% से लेकर 18% की दर से ऋण देती थी, परंतु धीरे धीरे नियम व नीतियों में परिवर्तन हुआ और आज मुझे बताते हुए गर्व होता है कि ग्राम सहकारी सेवा समितियां किसानों को कई राज्यों में 0% तो कहीं 1% की दर से 5 लाख रुपये तक का ऋण देती है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि भारत का खजाना गांव, गरीब, किसान, युवा, महिला, दलित, अनुसूचित जाति, जनजाति के हित में आएगा। आज हम राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक संशोधन विधेयक 2017 को पास कर रहे हैं। उससे गांव के किसानों को सस्ता व सुलभ ऋण मिलेगा ही, साथ ही देश के उन करोड़ों करोड़ों स्वयं सहायता समूहों की बहनों को भी सीधा लाभ मिलने वाला है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के माध्यम से ग्रामीण युवाओं को रोजगार मिलेगा। माननीय उपसभापति महोदय, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश के किसानों की आय को सन 2022 तक दोगुना करने का जो लक्ष्य निर्धारित किया है, मैं सोचता हूं कि उस लक्ष्य को हासिल करने में यह बिल बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। श्रीमान, किसानों के सामने समस्या तब होती है जब वो केवल कृषि पर ही निर्भर रहता है। सर, मुझे अभी गुजरात चुनाव में गुजरात के बहुत से गांव में जाने का अवसर मिला। मैंने देखा कि वहां के किसान साधन संपन्न व सुखी हैं, क्योंकि वहां का किसान कृषि तो करता ही है, साथ ही दुग्ध उत्पादन के व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। हर गांव के प्रत्येक घर में दुधारू पशु है। हर ग्राम पंचायत पर दुग्ध कलेक्शन सेंटर खुले हुए हैं, जहां 1 केजी से अधिक कितना भी दूध हो वहीं पर टेस्ट करके ले लिया जाता है, खरीद लिया जाता है। दुग्ध डेयरी का बहुत बड़ा व्यवसाय किसानों द्वारा नाबार्ड के सहयोग से चलाया जा रहा है। साथ ही किसान को कृषि ऋण 0% ब्याज दर पर दिया जाता है, यानी किसानों को ब्याज मुक्त कृषि ऋण दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार श्रीमान, राजस्थान में भी किसान पर्याप्त मात्रा में दुग्ध व्यवसाय से जुड़ा हुआ है।
हमारे यहाँ भेड़ ऊन का व्यवसाय भी किसान करते हैं। देश के पशुधन के हिसाब से हमारा राज्य राजस्थान अग्रणी राज्यों में है। कॉपरेटिव सेक्टर में भी हमारा किसान व ग्रामीण महिलाएं बहुत ही सक्रिय है। ग्रामीण महिलाएं तो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती, उसे स्वयं सहायता समूह हजारों की तादाद में है जो गांवों में कुटीर उद्योग चलाती है। उन महिलाओं को इस बिल के पास हो जाने से सस्ता सुलभ व पर्याप्त ऋण भी प्राप्त होगा। श्रीमान, पूरे विश्व में जल की समस्या बाहर खड़ी है। हमारे देश में भी बहुत से क्षेत्रों में जल का स्तर बहुत नीचे चला गया है। इस समस्या से निजात पाने के लिए नेवाड ने इसी वर्ष 2017 में विश्व जल दिवस के उपलक्ष्य में हमारे देश के जल के महत्व को ध्यान में रखते हुए जल है तो कल है के स्लोगन के साथ इस देश में 1,00,000 चयनित गाँव में जन जागरण अभियान शुरू किया। वर्षा जल को कैसे बचाया जाए, जल स्वावलंबन हेतु भारत सरकार की योजनाओं की जानकारी एवं उसमें मिलने वाले किसानों की सहायता राशि पहुंचाने का कार्य किया है। जल स्वावलंबन के संबंध में एक जानकारी राजस्थान के संदर्भ में मैं सदन से शेयर करना चाहूंगा। श्रीमान, हमारे राजस्थान की मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी ने वर्षा के जल पर एक नवाचार किया है कि बिना सरकारी फंड के खर्च किए वर्षा के जल को बचाने की योजना पूर्ण की जा सकती है। गांव का पानी गांव में रहे, खेत का पानी खेत में रहे, अपने घर का पानी घर के ही उपयोग में आए, इस हेतु जन जागृति कर राजस्थान में एक योजना बनाई गई जिसका नाम मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान रखा गया। श्रीमान, यह अभियान बहुत ही सफल रहा है जिसमें जन भागीदारी से ग्रामीणों को संबल संसाधनों के सहयोग से 2 फेज तो पूर्ण किए जा चुके हैं और 3रा फेज अभी चल रहा है। मुझे बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि अभी तक राजस्थान में 7,742 गांवों में कुल 2,23,000 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। गांवों में तालाबों व जल संग्रह के स्थानों का जीर्णोद्धार किया गया है, आगोर के क्षेत्र को बढ़ाया गया है, साथ ही ऐसी व्यवस्था की गई है कि गांव का पानी गांव में ही रुके। उतना ही नहीं, श्रीमान, राजस्थान के सभी सरकारी स्कूलों और सरकारी भवनों में जल संग्रहण का कार्य भी किया गया है। साथ ही भवन निर्माण के नक्शे की स्वीकृति के नियमों में प्रावधान किया गया है कि निर्माण स्वीकृति तब भी मिलेगी जब वर्षा जल के संग्रह का प्रावधान मानचित्र में किया हुआ होगा। श्रीमान, इसके परिणाम भी आने लगे हैं। राजस्थान के डार्क जोन में भूस्तर बहुत बढ़ने लगा है। किसान अपने खेत व ग्राम के जल को रोककर इकट्ठा करके प्रधानमंत्री जी के वन ड्रॉप मोर क्रॉप योजना का लाभ लेकर कृषि भी कर रहे हैं। माननीय उपसभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे वित्त मंत्री आदरणीय अरुण जेटली जी व वित्त राज्य मंत्री आदरणीय शुक्ला जी को, जिन्होंने हमारे देश के गांव, गरीब, किसान, युवा व महिलाओं की चिंता की है। देश के किसान की आय सन 2022 तक कैसे बढ़े, इसको ध्यान में रखकर इस बिल में संशोधन करके नाबार्ड की पूंजी में बढ़ोतरी का प्रावधान किया है। पहले वाले बिल में श्रीमान नाबार्ड की पूंजी केवल 100 करोड़ रुपये थी। केंद्र सरकार रिजर्व बैंक की सहमति से 5,000 करोड़ रुपये तक बढ़ा सकता था। अब नए प्रावधानों में 5,000 करोड़ के स्थान पर 30,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। साथ ही केंद्र सरकार रिजर्व बैंक की सहमति से 30,000 करोड़ से अधिक भी राशि इसमें बढ़ा सकती है। श्रीमान, इस प्रावधान से नाबार्ड के पास पर्याप्त पूंजी रहेगी जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के कार्य तेज गति से होंगे, जिससे सड़क, पुल, सिंचाई सुविधा, भूमि विकास और भंडारण गोदामों के निर्माण का काम भी गांव में विस्तार किया जाकर किया जाएगा। ग्रामीण आधारभूत ढांचा और अधिक मजबूत किया जाएगा। किसानों को भी इस वजह से ऋण पर्याप्त मात्रा में मिल सकेगा। माननीय उपसभापति महोदय, यह एक महत्वपूर्ण बिल है। इसमें हम नाबार्ड की पूंजी को बढ़ाने का कार्य तो कर ही रहे हैं, साथ ही तकनीकी रूप से जो एक कमी इस बिल में थी उसे दुरुस्त करने का कार्य भी किया जा रहा है। अभी तक
केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक दोनों को मिलाकर 51% और जो शेयर पूंजी का हिस्सा था उसमें संशोधन करके संपूर्ण 51% राशि और भारत केंद्र सरकार की ही होगी। केंद्र सरकार जो रिजर्व बैंक की राशि थी उसकी शेयर हिस्सा राशि स्थानांतरित करेंगे। साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक के सुपरविजन का कार्य जारी ही रहेगा। इससे किसानों व ग्रामीण क्षेत्र के विकास की योजनाओं को और अधिक बल मिलेगा। माननीय उपसभापति महोदय, इसके साथ ही इस बिल में छोटे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमियों को 20 लाख की जगह मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए तथा सेवा के क्षेत्र में 5 करोड़ रुपए के निवेश वाले उद्यमियों को शामिल करने का प्रावधान किया गया है, जिससे हमारे प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया की योजना को बल मिलेगा। ही साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में जगह जगह उद्योग लगेंगे, जिससे रोजगार का सृजन होगा व बेरोजगारी की समस्या का समाधान भी होगा। माननीय उपसभापति महोदय, इस बिल के पारित होने के पश्चात नेबार्ड के माध्यम से गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होंगे, युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, साथ ही किसानों की आय को भी बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। नेबार्ड से सिंचाई के क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, भंडारण की क्षमता को बढ़ाएंगे, सस्ते दर पर ऋण देकर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार देने का कार्य भी होगा। डेयरी मत्स्य पालन सहित लघु कुटीर व हस्तशिल्प उद्योगों को बढ़ावा देने का कार्य भी श्रीमंत किया जाएगा। एक मिनट, किसानों की आय को दुगना करने का जो लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखा है उसे हम पूरा कर पाएंगे। श्रीमान, अंत में इस बिल का मैं समर्थन करते हुए एक बार पुनः हमारे वित्त मंत्री अरुण जेटली जी को और वित्त राज्य मंत्री शुक्ला जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात को पूर्ण करता हूँ। धन्यवाद।